मरियम नवाज की बतौर वजीर आला तैनाती पाकिस्तानी सियासत में संग मील है। नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। नई हुकूमत के मुश्तरक मफादात आगे बढ़ाने पर तवज्जो देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अमरीका के पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात हैं। हम खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ मजीद तआवुन के मुंतजर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से 24वें मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकरीब में शिरकत। कायद नून लीग नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ को मुसल्ला फौज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सबक दोश होने वाले निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल्हक काकड़ की मुलाकात। इनवारुल्हक काकड़ को अलविदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश, चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म मईशत की बहाली के लिए कोशां हैं। शहबाज शरीफ के इजलास में हंगामी बुनियाद पर लाहेमल तैयार करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हमें मुल्की मईशत की बेहतरी का मैंडेट मिला है, यही हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग और कारोबारी बरदरी को सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर तरीके से काम करेगी। अच्छे टैक्स पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। रेवेन्यू बोर्ड में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुजीर है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद तहनीती पैगाम में नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीकी सफारतखाने का भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने लिखा मुस्तकबिल में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का शहबाज शरीफ को फोन, वज़ारत उस्मा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की मलेशिया के वज़ीर आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का शहबाज शरीफ को खत, वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरानी सदर का भी शहबाज शरीफ को टेलीफोन, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुतल्लिका विंग को खाली मखसूस नशस्तें फार्मूले के तहत दीगर जमातों को अलॉट करने का हुक्म। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का इख्तलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खातीन और अकलियती नशस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात से पहले खातीन की मखसूस नशस्तों की फहरिस्त नहीं दी, जो इलेक्शन से पहले जमा करवाना कानूनी जरूरत है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मरकज में 23 मखसूस नशस्तों से महरूम। सिंध में 2, खैबर पख्तूनख्वा में 25, पंजाब में 27 मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी। सेनेटर अली जफर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने पहले बल्ले का निशान ले लिया, अब मखसूस नशस्तें भी नहीं दे रहा। हमारी 23 नशस्तें बनती हैं, हमारी नशस्तें दूसरी पार्टियों को दी गई तो आईनी गलती होगी। इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा। कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियाँ मुकम्मल होने तक आईनी नशस्तों पर इंतखाब नहीं हो सकता। शफाफ इंतखाबात ना करवाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ओपोजिशन को मिलकर काम करने की पेशकश। 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा सदारती इंतखाबात को बिलावजह मुतनाज़े बनाया जा रहा है। हमारी लड़ाइयों से अवाम थक गए, हमें आपस में बात करनी चाहिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है, अवाम ने ऐसा फैसला दिया है, मजबूरन मिलकर फैसले करना पड़ेंगे। अदालती और इंतखाबी असलाहत करना होंगी, चाहते हैं अपोजिशन भी असलाहत के अमल में हिस्सा ले। अगली बार शहबाज शरीफ इलेक्शन जीते या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे पर बिलावल भुट्टो गुस्से में आ गए। अपोजिशन के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल, तकरीर के अख्तिताम पर माजरत कर ली। भुट्टो का लफ्ज नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता, ये अपने नाना की सियासत को दफन करके गए हैं। नाना की सियासत कब की खत्म हो चुकी, ये हिसाब दें कि वो बाल कहाँ गए जो स्विट्जरलैंड में रखे थे।
बैरिस्टर गौहर की बिलावल भुट्टो पर तनकीद, बोले हमें तो दर्ज देते हैं मगर अपने गिरेबानों में नहीं झांकते। क्या पीडीएम ने नैब कानून खत्म करके 50 अरब के केसेस बंद नहीं करवाए, जब हमारे तायदाद जो केसेस कुनंदगान को रोका गया, कागजात छीने गए, ये उस वक्त एक लफ्ज भी क्या बोले कि मुफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, इसलिए पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई आवाम पर यकीन रखता है, इसलिए पावर शेयरिंग नहीं चल। वजीर आजम के बाद सदर के इंतखाबात कमीशन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को सदर बनवाने के लिए मुतहरिक, दो बड़ी इतिहादी जमातों की एमकेएम को एक बार फिर मनाने की कोशिश। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात। खालिद मकबूल सदीकी का आज राबता कमेटी के इजलास के बाद फैसले का इंदिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के अलीम खान से मुलाकात। आईपीपी का आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। पीपी वक्त मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से भी मिला। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, हम आसिफ अली जरदारी को ही वोट देंगे, मिलकर पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे। नए सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई आमने सामने। इलेक्शन कमीशन में दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर। महमूद खान अचकजई का लियाकत बलोच से टेलीफोन का रबता। सदारती इंतखाबात में हिमायत की दरख्वास्त। कैसर शरीफ का कहना है, जमात इस्लामी मुशावर के बाद फैसला करेगी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब अमीर जमात इस्लामी की महमूद खान अचकजई के घर पर पुलिस छापे की मजम्मत। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अलियास मेहरबान के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध से पीपल्स पार्टी के असलम आबड़ो, आजिज धामरा और वकार मेहदी के कागजात दुरुस्त करार। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्ला रिटर्निंग अफसर मुकर्रर। सिंध से सेनेट की दो जनरल नशस्तें खाली हुई। निसार खोड़ो और जाम मेहताब ने इस्तीफे दिए। 7 मार्च तक उम्मीदवारों के खिलाफ अपीलें। 9 मार्च तक अपीलों पर फैसले होंगे। 10 मार्च को उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 14 मार्च को होगी। आईएमएफ का 9 मुंतखब हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज करने का मुतालबा। खाने पीने की अशिया पर भी रियायती टैक्स खत्म करने की सिफारिश। गैर प्रोसेस शुदा खुराक, स्टेशनरी अशिया, अद्वियात, फ्यूएल मसनूआत और दीगर अशिया शामिल। आईएमएफ का कहना है कि नई मुंतखब हुकूमत 1300 अरब रुपए की टैक्स लगाए, जीएसटी की शरह को माकूल बनाए, जीडीपी का 1.3% हासिल किया जा सकता है। पीएसएल का एक और टाकरा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर जलमी को 29 रन से शिकस्त दे दी। 197 रन के हदफ के ताकुब में पेशावर जलमी 9 विकेटों पर 167 रन बना सकी। आमिर जमाल 88, पॉल वॉल्टर 33, टॉम कैटवुड 12 रन बनाकर आउट हुए। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। शादाब खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 3 विकेटें ली, 80 रन भी बनाए, मैन ऑफ द मैच करा। सलमान अली आगा ने 37 और आजम खान ने 29 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर मुकाबला आज। मुल्तान सुल्तान की टीम पेशावर जलमी से टकराएगी। मुल्तान सुल्तान 6 मुकाबलों में फतह समेट कर टॉप पोजीशन पर मौजूद। पेशावर जलमी की टीम 7 पॉइंट्स के साथ 4थे नंबर पर विराजमान। मुल्तान सुल्तान की टीम पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी। दोनों टीमों के माबैन मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रात 7 बजे खेला जाएगा। और फिल्म, ड्रामा और रेडियो पाकिस्तान की पहचान। नामवर अदाकार, सदाकार और फनकार कवि खान को मद्दाहों से पिछले 1 बरस बीत गया। आपका शुमार पीटीवी के अव्वलीन फनकारों में होता था। कवि खान ने जानदार अदाकारी से मुतअद्दिद फिल्मों ड्रामों में लाजवाल किरदार निभाए। फनी खिदमात के इतराफ में कवि खान को सदाकी तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज, निशान इम्तियाज समेत मुतअद्दिद दीगर अवार्ड से नवाजा गया।